जो इंसान आपसे ऊपर है, जो आपसे बड़ा है, सुपीरियर है, फिर चाहे वो वर्कप्लेस में हो या कहीं पे भी हो, उसको ये फील मत होने दो कि आप उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन हो। अगर आपको गेम में बने रहना है तो सामने वाले को ये फील मत होने दो कि उनसे ज्यादा आप जानते हो, उनसे ज्यादा आप टैलेंटेड हो, उनसे ज्यादा चीजों का नॉलेज आपको है, आपको जो पता है, जो चीज आपके पास में है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये फील मत होने दो। इनफैक्ट आप अपना टैलेंट को यूज करो सामने वाले को, जो आपका बॉस है, जो आपसे बड़ा है, उसको ज्यादा इंटेलिजेंट फील करवाने में, सामने वालों को इंटेलिजेंट फील करवाने में। आज वो मैं बताता हूँ कि चालाकी से गेम कैसे खेलते हैं। अपने से ऊपर वालों को फील करवाओ आप ज्यादा होशियार हो, हम क्या है, हम तो फकीर है। क्या आपको पता है कि आप अगर हद से ज्यादा अपने टैलेंट को शो करने लग जाओगे तो आपके करियर में बहुत अच्छा करो आप, इसके चांसेस बढ़ने के बजाय होगा ये कि लोग आपसे डरने लग जाएंगे, लोग आपसे इनसिक्योर फील करेंगे, आपसे लोगों को खतरा फील होगा, लोग आपसे अच्छे से बात नहीं करेंगे, लोग आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। जेलेसी बोल सकते हैं इसको थोड़ा सा, पर पूरी तरह से सही नहीं है ये जेलेसी बोलना। हर इंसान में ये डर होता ही है कि मुझे दबा ना दे ये मेरे पे भारी ना पड़ जाए, ये मेरे सर पे ना चढ़ जाए। बात को अच्छे से समझने के लिए, विश्वास को और गहरा बनाने के लिए कि वाकई में ये काम करता है या नहीं, मैं आपको हिस्ट्री बताने वाला हूँ, मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करवाने वाला हूँ कि कैसे ये बहुत इफेक्टिव चीज है। आपको पता लगेगा कि वाकई में जो मैं बता रहा हूँ वो कितनी इफेक्टिव बात है। ये वीडियो मिस मत करना कुल मित्र पर, इतनी बेस्ट क्वालिटी की वीडियोस में 10 में से एक बार करता हूँ, तो ये वीडियो आपसे बिल्कुल मिस होनी ही नहीं चाहिए। 10-15 में से एक वीडियो ऐसी आती ही है कुल मित्र पे जो आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है, उनमें से ये वीडियो एक है। इस वीडियो को देखने के लिए आपको थोड़ा अटेंशन की जरूरत है, टाइम पास या फन वाला कॉन्टेंट ये नहीं है, दिमाग के तार खोल देने वाला ये कॉन्टेंट है। सो अभी आपको मैं जो बताने वाला हूँ वो है 48 लॉज ऑफ पावर बुक का एक लॉ। इस बुक के और भी लॉज मैं कुल मित्र यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहूंगा। अगर आप भी बुक रीडिंग करके अपनी समझ को, अपनी चालाकी को, अपनी होशियारी को बढ़ाना चाहते हो, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना चाहते हो, अपना इंटेलिजेंस लेवल को बढ़ाना चाहते हो, तो आपको भी बुक रीडिंग करनी ही चाहिए। पर अब गुड न्यूज ये है कि आप ऑडियो बुक सुनकर भी आप पूरी बुक को समझ सकते हो, जिसका बेस्ट सॉल्यूशन है कुकू FM। यहां पर ऑलमोस्ट हर फेमस बुक जैसे कि चाणक्य इन डेली लाइफ, पावर ऑफ फोकस, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी जैसी 1000 पावरफुल बुक्स की ऑडियो बुक्स मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ उस प्राइस में जितने में आपको एक किताब मिलती है। नया साल नया बदलाव बाय कुकू FM। आप काम करते वक्त, जिम करते वक्त, खाना खाते वक्त, दूसरा कोई भी काम कर रहे हो, तब भी आप अपनी लर्निंग को जारी रख सकते हो। कुकू FM ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। न्यू ईयर ऑफर चल रहा है जो केवल 1 जैन तक ही रहेगा। अभी जाओ, ये लो कूपन कोड NY50 थैंक्स मी लेटर, 50% ऑफ हो जाएंगे जैसे ही आप NY50 कूपन कोड को एंटर करोगे। चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। निकोलस फुके फ्रांस के किंग लुइस 14 के फाइनेंस मिनिस्टर थे और काफी इंटेलिजेंट और टैलेंटेड थे फाइनेंस हैंडल करने के मामले में। उनके अंडर में, उनकी वजह से फ्रांस में बहुत ही अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। और ये जो फाइनेंस मिनिस्टर थे निकोलस फुके, ये राजा के काफी क्लोज मिनिस्टर्स में से एक थे। अब आगे हुआ क्या ये सुनो। जब 1661 में प्राइम मिनिस्टर जूल्स मर्जिन की डेथ हुई तो निकोलस फुके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनकी ये उम्मीद जगी अब अगला प्राइम मिनिस्टर उन्हें ही बनाया जाएगा। बट राजा ने क्या किया, राजा ने प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट ही अबॉलिश कर दी, हटा दी कि अब कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा, क्योंकि राजा को डर था कि ये जो फाइनेंस वाला बंदा है ना, ये प्राइम मिनिस्टर अगर बन गया तो वोट लगा देगा, ये सर पे चढ़ जाएगा। और भी बहुत सी चीजें ऐसी होने लगी जब फाइनेंस मिनिस्टर को लगने लगा कि यार किंग की नजरों में उसकी रेपुटेशन कम होती जा रही है, तो निकोलस को लगा कि यार अपनी इमेज को अच्छी बनाने के लिए कुछ किया जाए। तो किंग को खुश करने के लिए, अपनी एबिलिटी को प्रूव करने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए उसने क्या किया, उसने ग्रैंड सेलिब्रेशन पार्टी ऑर्गेनाइज करी किंग को ट्रिब्यूट देने के लिए। और आसपास के जितने भी बड़े बड़े पर्सनैलिटीज थे, साइंस के, आर्ट के, ड्रामा के, सारे फील्ड के अच्छे लोगों को इन्वाइट किया गया। कई तरह की ओरिएंटेड विदेशी डिशेस बनाई गई जो फ्रांस में पहले कभी नहीं बनाई गई थी। इस ओकेशन के लिए स्पेशली ड्रामा भी लिखा गया, परफॉर्म किया गया, ग्रैंड म्यूजिकल परफॉर्मेंस भी हुई। जितनी भी ग्रेट माइंड्स इस फंक्शन में आए थे वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर की ही तारीफ किए जा रहे थे कि ऐसा ग्रैंड अरेंजमेंट उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा। सब जगह बस फाइनेंस मिनिस्टर की ही तारीफ हो रही थी और राजा देख रहा था। अगले ही दिन किंग के खास आदमी हेड मस्किटियर एक भारी सिपाही को भेजा गया, इसका नाम था दातन्या। इसने आकर फाइनेंस मिनिस्टर निकोलस फुके को अरेस्ट कर लिया देश का खजाने से चोरी करने के लिए। और जिस चोरी के चार्जेस निकोलस पर लगाए गए थे उनमें से मोस्टली सारी की सारी खुद किंग के कहने पर उसने करी थी। सारे चार्जेस में फाइनेंस मिनिस्टर को गिल्टी पाया गया और उसे माउंट पेरिनिस पर अपनी लाइफ के 20 साल वही आइसोलेशन में काटने पड़े।
20 साल बर्बाद हुए इस फाइनेंस मिनिस्टर के सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने राजा के सामने होशियारी दिखा दी। पहले तो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को अबॉलिश कर दी ताकि कोई प्राइम मिनिस्टर बन ही ना पाए। उसके बाद में फिर से राजा को डर लगा कि यार ये फाइनेंस मिनिस्टर भारी न पड़ जाए, तो इस फाइनेंस मिनिस्टर को 20 साल के लिए कैद कर दिया गया। इसलिए क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर बहुत इंटेलिजेंट साउंड कर रहा था। अब यहां फाइनेंस मिनिस्टर की गलती यह थी, यही कि उसने अपनी कैपेबिलिटीज को शो करने के लिए, खुद को बड़ा दिखाने के लिए किंग को फीका दिखा दिया। लुईस 14 एक एरोगेंट, एक घमंडी, सेल्फ सेंटर्ड किंग था। उसे यह हरगिज बर्दाश्त नहीं था कि उसके सामने उसकी तारीफ ना होकर के उसके मिनिस्टर की तारीफ हो रही है। फिर निकोलस फुके को फाइनेंस मिनिस्टर से भी रिप्लेस करके, मतलब अब फाइनेंस मिनिस्टर से भी हटा करके, जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया, जो फ्रेंच में अपनी कंजूसी के लिए बहुत फेमस था और कभी दिखावटी और बड़े खर्चे नहीं करता था। निकोलस सजा काटने के बाद में जो था वो भी गया। गलती निकोलस से सिर्फ ये हो गई थी कि उसने पार्टी में अपने आप को बहुत बड़ा दिखा दिया, अपनी कैपेबिलिटीज, अपने कनेक्शंस इतने दिखा दिए, इन्फ्लुएंसिंग पावर बहुत ज्यादा दिखा दी कि वो कितना भारी आदमी है, वो कितना एबल कैंडिडेट है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, ये बहुत ज्यादा दिखा दिया था। उसने अपनी शक्ति का इतना ज्यादा प्रदर्शन कर लिया था राजा के सामने कि राजा शॉक्ड हो गया था देख करके और इनसिक्योर फील करने लग गया था कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर बन गया तो नेक्स्ट ये मेरे थ्रोन पे चढ़ जाएगा, ये मेरे सिंहासन पे चढ़ जाएगा, ये मेरे पे भारी पड़ सकता है। इसलिए किंग ने वही किया जो एक समझदार किंग करता। किंग की कोई गलती नहीं थी वहां पे, वो बस अपने आप को सेफ कर रहा था। गलत वो होशियारी करने वाला फाइनेंस मिनिस्टर था जिसने कुछ ज्यादा ही परफॉर्म कर लिया था। ज्यादा होशियारी दिखाने का ये नुकसान हुआ। अब आपको बताता हूँ कि गैलीलियो ने यहाँ पे क्या किया, गैलीलियो ने कितना अच्छा गेम खेला ये सुनो आप, इन्होंने कितना सही काम करा। 60s के इटालियन एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन गैलीलियो के बारे में हम सबने पढ़ रखा है, सुन रखा है, साइंस की बुक्स में हमने स्कूल में पढ़ा हुआ है इनके बारे में। पता है गैलीलियो जैसे जीनियस को भी सरवाइव करने के लिए, अपनी रिसर्च की फंडिंग के लिए, इन बड़े बड़े राजा और रूलिंग फैमिलीज से सपोर्ट की जरूरत होती थी, और वो सपोर्ट तभी मिलता था जब राजा और फैमिलीज को खुश किया जाता था। गैलीलियो क्या गिफ्ट देते थे, वो राजा को खुश करने के लिए क्या करते थे, गैलीलियो अपनी हर नई डिस्कवरी, जो इनकी डिस्कवरी होती थी वो, और जो इनकी खोज होती थी, जो भी इनकी इन्वेंशंस होती थी, वो रूलर्स यानी कि जो रूल करने वाले थे उनको और किंग्स की फैमिली को डेडिकेट करते थे। जैसे कोई म्यूजिशियन सॉन्ग डेडिकेट करते थे कि ये गाना तुम्हारे नाम, क्योंकि इन राजा महाराजा को साइंस और उसके डेवलपमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उन्हें तो बस ये चाहिए था कि उनको कोई इंपॉर्टेंट फील करवाए, बड़ा फील करवाए, और गैलीलियो करवाते थे इंपॉर्टेंट फील, तो वो बच गए। गैलीलियो ने वहां पे होशियारी नहीं करी कि मैं कितना जीनियस हूं। जैसे एक बार गैलीलियो ने मिलिट्री कंपास की खोज की, जो उन्होंने प्रिंस ऑफ गोंजानो को डेडिकेट किया था, और कंपास के यूजर मैनुअल वाली बुक को मेडिसिन को डेडिकेट किया था, जो इटालियन फैमिली के बैंकर्स और बिजनेसमैन थे। और इस तरह होता क्या था कि उनको और ज्यादा स्टूडेंट्स मिल जाते और रूल करने वाले जो होते थे वो खुश होकर गिफ्ट देते थे, लेकिन कोई भी कैश नहीं देता था, पैसा नहीं देता था। अभी भी लाइफ बहुत ही इनसिक्योर और डिपेंडेंट थी। गैलीलियो अभी भी बहुत डरे हुए थे कि इनको इतना कुछ डेडिकेट कर दिया लेकिन अभी भी काफी नहीं है दिल जीतने के लिए। फिर भी उनके दिमाग में कुछ आइडिया आया। अब गैलीलियो ने यहाँ पे क्या किया वो सुनो। गैलीलियो की लेटेस्ट डिस्कवरी थी जुपिटर के 4 नेचुरल सैटेलाइट्स डिस्कवर करने की। इन्होंने 4 नेचुरल सैटेलाइट्स की डिस्कवरी की जो किसी एक ग्रह के चक्कर लगाते हैं, उसकी खोज की। बट क्योंकि उन्हें हर डिस्कवरी के लिए रॉयल फैमिली से गिफ्ट ही मिलते थे और कोई कैश देता नहीं था, पैसे देते नहीं थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी डिस्कवरी 2-3 रॉयल फैमिलीज को डेडिकेट करने के बजाय एक ही फैमिली को डेडिकेट करेंगे, वो थी मेडिसी फैमिली। मेडिसी फैमिली को गैलीलियो ने इसलिए चुना क्योंकि इस राजवंश या फैमिली के पहले राजा कॉसिमो 1 ने अपने राज में जुपिटर प्लेनेट को ही उसके किंगडम का सिंबल बना दिया था। मतलब बैंकिंग, रिलीजन, पॉलिटिक्स, हर जगह मेडिसी फैमिली का ऑफिशियल लोगो जुपिटर प्लेनेट का साइन ही बना दिया गया था पहले से। और गैलीलियो ने जुपिटर के ही नेचुरल सैटेलाइट की खोज की तो गैलीलियो को लगा कि यार ये बड़ा भयंकर गिफ्ट हो सकता है, जिस गिफ्ट को देने के बाद में बदले में मुझे बहुत बड़ा कुछ मिल सकता है, इनको इस चीज से बहुत अच्छे से खुश कर सकते हैं। तो जब गैलीलियो ने ये जुपिटर के नेचुरल सैटेलाइट्स की डिस्कवरी की तो उन्होंने डिसाइड किया कि पूरी डिस्कवरी इसी मेडिसी फैमिली को डेडिकेट करूंगा, तो किंग ज्यादा खुश होगा। और गैलीलियो ने एक इमेजिनरी स्टोरी भी बनाई कि कैसे जुपिटर और उसके नेचुरल सैटेलाइट से मेडिसी फैमिली के मेंबर्स कनेक्टेड है, और उन्होंने एक ग्रैंड सेलिब्रेशन में मेडिसी फैमिली का स्वागत करते हुए कहा कि देखो कैसे ईश्वर ने खुद उनके यानी कि गैलीलियो के टेलीस्कोप में ये 4 मून्स प्रकट किए जो खुद मेडिसी फैमिली के आने वाले 4 प्रिंसेस का सेक्रेड रिफ्लेक्शन है। मतलब क्या बेचा है इन्होंने, ग्रेट सेल्स स्किल्स, इसको बोलते हैं डील करना। 4 मून्स 4 मेडिसी रूल करने वालों को इंडिकेट करते हैं, कॉसिमो 1 और उसके 3 ब्रदर्स। और गैलीलियो ने कहा कि ये खुद ईश्वर की मर्जी है कि मेडिसी फैमिली रोम में अब सिर्फ राइज ही करेगी, पूरी दुनिया में इसका रुतबा बढ़ता ही जाएगा। गैलीलियो ने ये जैसा ही किया उसके बाद बूम, 1610 में
कॉसिमो ने गैलीलियो को दरबार का ऑफिशियल फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन बना दिया, वो भी फुल सैलरी के साथ में। अब वो गरीबी के दिन जा चुके थे, जिंदगी बदल चुकी थी गैलीलियो की। अब वक्त कुछ और ही था, क्या करके, बस चालाकी से अपने से सुपीरियर को बड़ा फील करवा के, ना कि खुद की होशियारी वहां चमका के। गैलीलियो तो किंग से भी ज्यादा इंटेलिजेंट थे, हर दिन नई डिस्कवरी करते थे, तो किंग इनसिक्योर फील क्यों नहीं करता था उनसे, गैलीलियो से? क्योंकि गैलीलियो ने किंग को हमेशा यही फील करवाया कि जो इन्वेंशन और डिस्कवरी हो रही है वो किंग की मेहरबानी से ही हो रही है, वो किंग की इंटेलिजेंस की वजह से ही हो रही है। गैलीलियो ने वहां पे ये फील नहीं करवाया कि ये सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है। किंग को कभी ये फील नहीं करवाया कि आपका काम तो सिर्फ फंडिंग देना है, आपका काम तो सिर्फ पैसा देना है, कर तो मैं आ रहा हूं सब कुछ। तो गैलीलियो ने कभी ये फील नहीं करवाया। गैलीलियो ने किंग को एकदम परफेक्ट फील करवाया कि जो हो आप हो, आप हो तो ही मैं आगे खोज कर पा रहा हूं, ना कि अपनी होशियारी आगे रखी। सोचो आप भी अगर बहुत हाइट पे होते हो तो नेचुरली आपको भी गिरने का डर होता है। आप भी अगर किसी को देखोगे जो आपसे चालाक है तो आपको भी डर लगेगा नीचे गिरने का। तो जो इंसान आपसे चालाक है, जो आपकी जगह ले सकता है, उसको आप पहले हटाना चाहोगे। सो ये हर कोई करेगा। इट्स नॉट अबाउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, इट्स अबाउट द ग्रीड दैट नेचुरली कम्स विद पावर। और ये सोचने की भूल बिल्कुल भी मत करना कि ये पहले के लोगों में होती थी तो आज नहीं होती है। इंसान तो इंसान ही रहता है, इंसान का दिमाग तो एक जैसा ही काम करता है, इंसान की हैबिट, आदतें, ये सब चीजें एक जैसे ही काम करती है। पावर स्ट्रक्चर्स के मामले में लोगों की थिंकिंग कभी नहीं बदल सकती। किसे पावर में बने हुए रहना नहीं पसंद है? तो दो रूल है, एक तो आपने सुन लिया कि अपने से बड़ों के सामने होशियारी करके परेशानी में जाने के बजाय अपने से होशियार लोगों को अच्छा फील कराओ, बड़ा फील करवाओ, देखो कैसे आप उनको पटा के रख सकते हो। आ जाओ दूसरे पे, कभी ये मत समझना कि जस्ट बिकॉज योर बॉस लव्स यू, कोई बड़ा आदमी है वो आपसे प्यार करता है, कोई भी आपसे ऊपर है वो आपसे प्यार करता है, तो यू कैन डू एनीथिंग। जस्ट बिकॉज योर सीनियर, योर मेंटर, कोई भी सुपीरियर पर्सन है वो आपसे प्यार करता है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। आओ इसे भी समझते हैं इतिहास के साथ में। जापान के महाराजा हिडेयोशी का फेवरेट आर्टिस्ट सेन नो रिक्यू था और पूरी की पूरी रॉयल फैमिली उस पर जान छिड़कती थी। सबका फेवरेट था वो किंग कोर्ट में, उसे जो चाहिए होता था उसे महाराजा अवेलेबल कराता था। उसका खुद का अपार्टमेंट था महाराजा के पैलेस में और पूरे जापान में उसकी इज्जत थी। बट उसके बाद क्या हुआ, 1591 में हिडेयोशी ने उसे अरेस्ट करवा दिया और सजाए मौत सुना दी। प्यार था लेकिन फिर भी सजाए मौत सुना दी। गलती सिर्फ इतनी कर दी थी इस आर्टिस्ट ने कि उसने बड़े ही स्वैग के साथ में पोज करते हुए अपनी एक वुडन स्टैच्यू बनवाई, वो भी सैंडल्स पहने हुए जो कि महानता का साइन था, और पैलेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंपल में रखवा दी जहां से रॉयल फैमिली के मेंबर्स आते जाते देख पाते थे। और यही बात महाराजा को बहुत बुरी लग गई कि रिक्यू अपनी औकात भूल गया है और रॉयल फैमिली की मेंबर्स की बराबरी करने लग गया। तो लेसन ये है कि आपसे ऊपर जो है, आपसे कितना ही प्यार करते हो, आप उनकी बराबरी करोगे तो गुस्सा आएगा ही आएगा, रिलेशन खराब होगा ही होगा। अगर आप अपने से ऊपर किसी इंसान से ज्यादा स्मार्ट हो तो उसका ऑपोजिट शो करो, उसको बताओ मत कि मैं स्मार्ट हूँ, उसकी तारीफ करो, उसके अच्छे गुण की तारीफ करो। अगर वो आपसे ऊपर है तो जरूर कुछ है उसके अंदर तारीफ करने लायक, लेकिन आपको ओवर फ्लैटरी भी नहीं करनी है, मतलब बहुत ऑब्वियस चापलूसी भी नहीं करनी है आपको कि सामने वाले को साफ साफ लग रहा है कि यार ये कहीं से देख के आया है, मेरी तारीफ कर रहा है, ये कुल मित्र की वीडियो देख के आया, चालाकी कर रहा है यहाँ पे। आपको चालाकी से बात करनी आना चाहिए, चालाकी से तारीफ करनी आनी चाहिए। अपने से बड़ों को ये फील करवाओ कि वो अगर नहीं होते तो आप ये काम नहीं कर पाते, और आपने जो कुछ भी सीखा है वो उनकी वजह से ही सीखा है। और हो सके तो प्रिटेंड करो कि आप गेम की मेन ट्रिक्स नहीं जानते हो। सो गैलीलियो की तरह बनो, निकोलस या रिक्यो की तरह मत बनो। दूसरों को फेम लेने देना और अपनी फेम जानबूझकर कम करना बेवकूफी नहीं, समझदारी है। अगर आपको कोई बेवकूफ बना रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, तो आप रियल में बेवकूफ हो। लेकिन आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है और फिर भी आप जानबूझ के बेवकूफ बन रहे हो, आप एक्टिंग कर रहे हो बेवकूफ बनने की, लेकिन आपको समझ सब आ रहा है, तो आप समझदार हो। ऑफ कोर्स हर इंसान के सामने आपको झुकना नहीं है, सिर्फ उसी इंसान को ऊपर चढ़ाना है जिससे आपका फ्यूचर में काम पड़ सकता है, जिससे आपको फर्क पड़ता है। आप वैसे हर इंसान को खुश नहीं रख सकते, लेकिन जिस इंसान से आपका फर्क पड़ता है, आपका काम बिगड़ सकता है, उसको नाराज करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी तक आपने जो भी सुना है वो केवल एक लॉ था, एक नियम था 48 लॉज में से। ऐसे और भी लॉज ऑफ पावर आने वाले हैं जो कि हो गए 48 लॉज ऑफ पावर बुक से। इस तरह की बातें मुझे कहां से मिलती है, मुझे किताबों से मिलती है जो आपको भी पढ़नी चाहिए। लेकिन अब गुड न्यूज ये है कि आपको किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ऑडियो बुक फॉर्मेट में बुक को कंज्यूम कर
कर सकते हो, जिसका सोल्यूशन है कुकू FM। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको इंस्टॉल करो और बुक को ऑडियो की फॉर्म में सुनो। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी के लॉस के ऊपर मैं वीडियो बना ही रहा हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन पर क्लिक करके रखो, वीडियोस आने वाली है। तब तक के लिए जितने भी क्वालिटी वीडियोस मैंने बना रखी है, मेरे चैनल को विजिट करके बाकी की वीडियोस भी देख डालो। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुलमित्रा से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।